हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पिंचेस कर फायल कुट्टी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। ये मैं पिछली वीडियो में काट किया है। यहाँ से देखिए, इस तरह से छोटा छोटा प्लेट रहेगा और साइड से इस तरह से ओपन रहेगा, दोनों साइड की तरफ से ओपन रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कितना तक गियर रखना है उसका गियर भी बहुत ही रख सकती है। आपको जितना तक गियर चाहिए उतना तक ही रख सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ वॉच कीजिए फुल वीडियो। तो फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी भी चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए। तभी चलिए सिलाई की तरफ चलती है। किस तरह से इसको सिलाई करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले फ्रंट पार्ट लिया है और फ्रंट पार्ट को देखिए कहाँ से सिलाई करना है। पहले हम दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाकर लेना है। ये देखिए, ये इस साइड का है और इसको देखिए हम कहाँ से सिलना है। इसको हम नीचे की तरफ से सिलना है। देखिए, नीचे की तरफ से मिलाकर सिलाई करने हैं। पिंचेस का कुर्ती बिल्कुल ब्लाउज का जैसा ही सिलाई करना है। और देखिए, यहाँ से हमें डबल सिलाई करना है सिलाई, लेकिन देखिए हाफ इंच से ज़्यादा लेकर सिलाई करना है। यहाँ पर देखिए, एक साइड सिलाई कर लिया। तो यहाँ से देखिए, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है इसको हम इस तरह से काट लगा लूँगी। और अभी इस साइड भी हम ठीक उसी तरीके से सिलाई लगा लूँगे, यहाँ से नीचे की तरफ से मिलाते हुए। ये देखिए, सिलाई कर लिए। अभी हम देखिए नीचे के पार्ट के साथ और ऊपर के पार्ट को हम जॉइन लगाऊंगे। नीचे के पार्ट को मैं पहले से यहाँ पर देखिए सुई धागे से सिलाई कर लिया है, सीधा सिलाई कर लिया है। और यहाँ से देखिए 2 इंच तक हम सिलाई लगाऊंगे। उसके बाद ही जिस धागे से हम सिलाई किए हैं इसी को हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से खींचते हुए यहाँ पर छोटा छोटा प्लेट डालूँगी। इस तरह से पहले सुई धागे से सिलाई कर लेने से यहाँ पर प्लेट बनाने में बहुत ही आसान होता है और इस तरह से छोटा छोटा प्लेट बन जाता है। अगर यहाँ पर इस तरह से सुई धागे से पहले सिलाई नहीं करने से यहाँ पर प्लेट इतना छोटा छोटा नहीं होगा। और हाथ से हम जब प्लेट डालते हैं उसमें थोड़ा बड़ा साइज़ का हो जाता है, एक साइज़ का नहीं रहता है। और यहाँ पर बिल्कुल एक साइज़ का प्लेट हो गया है।
यहाँ पर देखिए सिलाई कर लिया है। इस तरीके से हमें दोनों साइड को सिल लिया है। और ये देखिए ये मैं बूट नेक में काट किया है, तो आप ही देखिए फ्रंट साइड और बैक साइड को इस तरह से यहाँ पर शोल्डर से मिला कर लूँगी, फिर हम जॉइन लगा लूँगी। यहाँ से देखिए ये देखिए शोल्डर ज्वाइन कर लिए। अभी हम स्लिप सिलाई करूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने हल्का सा पॉप स्लिप काट किया है, और पॉप स्लिप को देखिए किनारे से इस तरह से हम मिलाकर सिलाई करूँगी। और पॉप स्लिप के लिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा 2.5 इंच तक लिया है, और हम 2 इंच से यहाँ पर पॉप स्लिप के लिए प्लेट डालना शुरू करूँगी। और यहाँ से देखिए हम इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। देखिए सीधा सिलाई करूँगी यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने जो 2 इंच रखा है वहाँ से हम प्लेट डालना स्टार्ट करूँगी पॉप स्लिप के लिए। इस साइड से हमें सिर्फ 2 ही प्लेट डालूँगी, और दूसरा साइड की तरफ से प्लेट का मुंह भी हम इस साइड की तरफ से रखूँगी, जैसे कि मशीन के साइड की तरफ से। और इस तरह से यहाँ से भी 2 ही प्लेट डालूँगी, और स्लिप को हम डबल सिलाई में सिलाई करने के बाद यहाँ से किनारे से एक पीको कर लूँगी। फिर यहाँ पर देखिए स्लिप का मोहरी को इस तरह से हम 2 फुल करके सिलाई लगा लूँगी दोनों साइड की तरफ से। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें नॉर्मल पॉप स्लिप सिलाई किया है। तो उसके बाद हमें सिलना है नेक पोटी। नेक पोटी को मैं यहाँ पर उरेप काट किया है, तो इसलिए देखिए यहाँ से कोई प्लेट डालने का ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमें नेक पोटी सिलाई कर लूँगी। फिर हमने पुट्टी को छोटा छोटा काट लगा लूँगी। और यहाँ से भी देखिए इस तरीके से काट लगा लिया। लगाने के बाद हम फिनिशिंग के लिए नेकपुट्टी के साइड की तरफ से हम सिलाई लगाऊंगी। फिर देखिए हम नेक पोटी को उल्टा साइड की तरफ से इस तरह से मोड़ लूँगी, फिर यहाँ से हम सिलाई लगा लूँगी। बूट नेक में ज़्यादा से ज़्यादा मशीन के सिलाई ठीक है, चाहता भी इसको हाथ से सिलाई करना है तो हाथ से भी सिल सकती है। नेक पोटी की सिलाई कंप्लीट है, तो अभी हम इसका फिटिंग्स नाप लेकर यहाँ पर फिटिंग्स ले लूँगी, और इसको हम इस तरह से उल्टा साइड की तरफ से लेना है।
और यहाँ से देखिए हम स्लिप रखूँगी, स्लिप हम 5.5 इंच तक लिया है यहाँ से, इस तरह से हमें मिलाना है। ये चेस 40 साइज़ है, हम 40 साइज़ के हिसाब से यहाँ पर चेस का मेजरमेंट ले लिया है और कमर 34 है, हिप 40 है। तो अभी देखिए इसी के हिसाब से यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी फिटिंग्स के लिए। अभी देखिए हम हिप का लेन के लिए मेजरमेंट ले लूँगी और यहाँ से देखिए अमूल से हम हिप का लेन रखूँगी 13.5 इंच तक रखूँगी। दोनों साइड की तरफ से हम 13.5 इंच का यहाँ पर निशाना लगा लूँगी। और यहाँ से भी देखिए 13.5 इंच का हिप का लेन रखूँगी। यहाँ पर फिटिंग्स करने के बाद हम फिर से यहाँ से मेजरमेंट लेकर देखूंगी जो मेजरमेंट दिया है वो ठीक है कि या नहीं, इस तरीके से देखना है ये बिल्कुल ठीक है। तभी देखिए जो भी साइज से एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको काट लगा लूंगी, इस तरीके से देखिए। दोनों साइड की तरफ से इस तरह से काट लगाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से हम फोल्ड करके सिलाई करूँगी, जहाँ से हमें साइड से ओपन रखा है वहाँ से। दोनों साइड के ओपन की तरफ से सिलाई कर लिया। अभी देखिए मोहरी से हम नीचे का मोहरी से इस तरह से फुल कर यहाँ से सिलाई लगा लूँगी। फिटिंग्स करने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको काट कर फेंक देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पिंचेस कट कुर्ती का सिलाई कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स ये किस तरीके से सिलाई किया है मैं आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ और इसका फिटिंग्स भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई किया है। तो चलिए अभी देख लेती है इसका फिटिंग्स किस तरीके से आया है, आप लोग खुद ही देख सकती है। यहाँ पर देखिए कैसे इसका फिटिंग्स आया है, बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू, फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ अगला वीडियो में।